24 घंटे सातों दिन, जी हम ड्यूटी की बात नहीं कर रहे बल्कि ड्यूटी मोड में रहने वाले पुलिस कर्मियों के डिप्रेशन की बात कर रहे हैं और इन पुलिस कर्मियों के डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने जिला पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से ऐसे पुलिस कर्मियों की पहचान करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें करीब 250 पुलिसकर्मी सीवियर डिप्रेशन से पीड़ित पाए गए। ऐसे पुलिसकर्मियों का इलाज करने और उनको डिप्रेशन से बचाने के लिए जल्दी एक कार्ययोजना पुलिस की ओर से बनाई जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड के लगभग 250 पुलिसकर्मी, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं, डिप्रेशन का शिकार पाए गए हैं। थानों में पुलिसकर्मियों की आत्महत्या की घटनाओं और सर्विस रिवॉल्वर और राइफल से गोलियां चलाने और अपने साथियों को जख्मी करने की घटनाओं को लेकर पुलिस मुख्यालय में एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके मुताबिक राज्य में 250 के आसपास पुलिसकर्मी डिप्रेशन से ग्रसित हैं। ज्यादातर डिप्रेशन का कारण पुलिस की कार्यशैली का तनाव, छुट्टियां ना मिलने, परिवार से दूर रहना और वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव भी है। उसको मानसिक रूप से भी जो है लोग परेशान हो जाते हैं अपने परिवार से, चूंकि पुलिसकर्मी दूर रहते हैं, थानों में रहते हैं, वर्क प्रेशर रहता है। तो ऐसे में पुलिस महानिदेशक महोदय की ये सोच रही है कि हमारे जितने भी पुलिस पदाधिकारी कर्मी हैं उनको हम लोग एक बेहतर से बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट दे सके, और जिन्हें भी किसी तरीके की अगर कोई परेशानी है, किसी को अगर कोई मानसिक तनाव है या अन्य किसी तरीके की कोई बीमारी है तो उसको समय पर हम लोग पहचान लें और फिर उसमें जो आवश्यक उनको जो ट्रीटमेंट दिलवाना है या उसको दूर करने के लिए जो कार्रवाई करनी है वो की जाए। पुलिस मुख्यालय ने तनाव के शिकार चिन्हित पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर उन्हें जिला स्तर पर भेज दिया है। मनोचिकित्सक और काउंसलर टेंशन के प्रकार और उनके निदान को लेकर जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षकों के साथ एक कार्यक्रम तय करेंगे, जिसमें चिन्हित पुलिसकर्मियों को बुलाकर हर पुलिस लाइन में एक काउंसलिंग सेशन आयोजित की जाएगी। ऐसे पुलिसकर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम या मेडिटेशन, इससे जो है पुलिसकर्मी अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सके, इसके लिए भी हम लोगों ने सभी एसपीज को दिशा निर्देश दिया है। तो जो भी पुलिसकर्मी पदाधिकारी चिन्हित हुए हैं उनको इसमें जो आवश्यक कदम समझे जा रहे हैं, चाहे मेडिकल काउंसलिंग हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो या मेडिटेशन या अन्य जो जिस हिसाब से जिसको जिसकी आवश्यकता है वो हम लोग उन्हें उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। कालांतर में कई थाना प्रभारियों ने थाना परिसर में या आवास में ही आत्महत्या की है। कई ने तो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी गोली मारकर खत्म कर लिया है। झारखंड में पुलिस वेलफेयर के नाम पर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन पुलिस कार्य संस्कृति में बार बार सस्पेंड होना, बार बार ट्रांसफर होना भी डिप्रेशन का एक बड़ा कारण है। हालांकि पुलिस को हाल ही में सरकार ने एक महीने की एक्स्ट्रा छुट्टी और कई तरह के भत्ता देने का ऐलान भी किया है, ये भी डिप्रेशन को कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।